जैसा कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दी की बात की जाए तो तंदूरी चाय कैसे पीछे रह सकती है। शुक्रवार लजीजदार में मैं लेकर आई हूँ दिल्ली की मशहूर ज़हरा की तंदूरी चाय। चाय का फ्लेवर और टेस्ट लेकर बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। आई एम लिटरली इससे बढ़िया चाय मैंने तंदूरी कभी नहीं पी। आप शाहीन बाग आए और ज़हरा का तंदूरी चाय ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए चाचा से जानते हैं कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया और क्या यूनिकनेस है इसमें। कब से बेच रहे हैं आप ये तंदूरी चाय? 3 साल हो गए। मसाला है अलग से, मैं खुद ही बनाता हूँ, खुद ही इस्तेमाल करता हूँ। क्या क्या होता है उस मसाले में? ये मसाला हम लोग किसी को नहीं बताते, ये सिर्फ हमारा ही अपना है, बनाते हैं अपना ही यूज़ करते हैं। तंदूरी चाय का कंसेप्ट है ये कहाँ से आया? ये हम तो हैदराबाद से लेकर आए। मैं केवल चाय ही बनाता हूँ और दूसरा बंदा यहाँ फिर बैठ के देने वाला होता है। इस समय तो मतलब थोड़ा सा मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही दे रहा हूँ। और कब से आप चाय बेच रहे हैं, मतलब कितने साल हो गए आपको चाय बेचते हुए? चाय तो मैं बनाने वाला 200 साल का हूँ, पुराना। काफी यूनिक कंसेप्ट है। You are watching Haut Monde.